विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोजे मंगल यानी ट्यूजडे बतारीख 22 फरवरी का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इंडिया मुल्क भर में हिजाब के ताल्लुक से कई बयानबाजियां की जा रही है। कई लोग अपने नजरिए बता रहे हैं हिजाब पर, जिसके चलते एक्ट्रेस जो फिल्म इंडस्ट्री से थी, जिसका नाम है महजबी सिद्दीकी, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने का ऐलान किए और खुदा की राह पर चलने का फैसला किए। महजबी सिद्दीकी ने तय किया कि वो दुनिया की जिंदगी छोड़कर खुदा की राह दीन पर चलेगी। महजबी सिद्दीकी ने यह फैसला एक्स एक्ट्रेस सना खान को देखते हुए किए। बाज रहे नाजरीन, महजबी सिद्दीकी जो 11वें सीजन का हिस्सा थी बिग बॉस का, जो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट किया करते थे, महजबी सिद्दीकी ने तय किया कि अब से वो दीन की राह पर चलेगी और हिजाब पहनेगी। महजबी सिद्दीकी पिछले 2 साल से परेशान थी और आखिर में वो गुनाह की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह की राह की तरफ रुजू हो गई। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद IPS ने तमाम ऑफिसर्स को हिदायत दिए कि गैर कानूनी बिना कागजात की गाड़ियों को क्लियर करें लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा गोशा महल पुलिस स्टेडियम और तिगर पुलिस स्टेशन्स के ग्राउंड्स में बिना कागजात की गाड़ियां बड़े पैमाने पर जमाई जा रहे हैं। बताया जा रहा है ये बिना कागजात की गाड़ियां क्रिमिनल केसेस के तहत जब्त किया गया, जिसके सबब पुलिस स्टेशन ग्राउंड्स में जगह कम पड़ रही थी, जिसके मद्देनज़र आज 601 गाड़ियां जो गैर कानूनी थे और बिना कागजात के थे, उनके सही कागजात बनाकर पुलिस और हुकूमत की जानिब से उसे ऑक्शित किया गया आवाम के लिए। सिटी पुलिस की जानिब से गोशा महल पुलिस ग्राउंड में मंगल के दिन इसका इफ्तिदा सीवी आनंद IPS कमिश्नर पुलिस के हाथों अमल में आया। जल्दी शहर हैदराबाद में नुमाइश का आगाज होगा। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है, 3 दिन बाद 25 फरवरी को एग्जीबिशन का दोबारा आगाज होगा। वाज़ेह है नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते एग्जीबिशन को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन केसेस काबू में आने के बाद फरवरी 25 को नुमाइश का आगाज किया जाएगा। तमाम इंतजामात शुरू हो चुके हैं, दुकानदार अपना सामान जमाना शुरू कर दिए हैं, कुछ स्टॉल्स वाले रिफंड की गुजारिश किए, उन्हें उनके पैसे दे दिए गए, सोसाइटी प्रेसिडेंट ने कहा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA जल्दी ऑक्शन करने वाली है 324 प्लॉट्स के। मिर्चल और हयात नगर के इलाके के जमीनात को ऑक्शन किया जाएगा मार्च के महीने में साल 2022 को। वाज़ेह नाजरीन, 101 प्रॉपर्टीज मिर्चल बहादुरपली लेआउट में आते हैं और 223 प्लॉट्स हयात नगर तोरुर लेआउट में आते हैं। कुल 324 प्लॉट को ऑक्शन किया जाएगा। RPF कांस्टेबल ने वुमेन पैसेंजर की जान बचाए, वो रेलवे ट्रैक पर फिसल कर गिरने ही वाली थी, उन्हें RPF जवान ने बचा लिया। ये वाकया पीर के दिन शाम के वक्त पेश आया। प्रेस नोट के मुताबिक करीब 20 पैसेंजर्स वरंगल से तिरुपति वापस जा रहे थे कृष्णा एक्सप्रेस के जरिए, जहां एक खातून पैसेंजर पार्वती, जो 53 साल की थी, वो भीमरान गांव की रहने वाली थी। ट्रेन रुकने के बाद वो वक्त पर नहीं उतर पाई ट्रेन से और ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। पार्वती ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी हुई थी। ट्रेन से कुचले जाने से पहले पार्वती ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। RPF जवान चिन्ना रामैया ने उसे बचा लिया पटरियों पर गिरने से और ये जान बचाने की कोशिश कामयाब रही और पार्वती बच गई। एक्टर पॉलिटिशियन प्रकाश राज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का साथ दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन के मद्देनजर अपने अंदाज में BJP के खिलाफ। बताया जा रहा है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का इजलास हुआ था महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP लीडर शरद पवार के साथ। उस दौरान एक्टर पॉलिटिशियन प्रकाश राज मौजूद थे KCR के सपोर्ट में मुंबई में इतवार के दिन। प्रकाश राज, जो तेलुगु और साउथ इंडियन फिल्म्स में काम किए, वो अब अहम मेंबर है KCR टीम का। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल, फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाह गौस होटल।